नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? आज आप सीखेंगे भाग चार विषय गणित कक्षा 10 अभ्यास 2.2। दोस्तों आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा है ये, ग्राह यदि अल्फा और बीटा बहुपद हैं तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 2 के शून्यक हो तो 1/α और -1/β का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो यहाँ पे हमने दोस्तों हल लिखा है दोस्तों, तो यहाँ से हमने स्टार्ट करा दोस्तों। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 2, दोस्तों मैंने ये छाप दिया दोस्तों। तो इसकी जो तुलना कर ली दोस्तों हमने, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स माइनस के सी, माइनस के नहीं दोस्तों, यहाँ पे प्लस होता है ये, प्लस के सी से तुलना करने पर दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने इस वाली समीकरण से ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे दोस्तों, इस समीकरण नंबर ये 2 हो जाएगी, मान सकते हैं दोस्तों, ना भी मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे अपने। तो मैंने दोस्तों समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग दे दिया दोस्तों। जब मैंने भाग दिया तो x से x गया दोस्तों, स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, और एक्स से एक्स गया यहाँ पर, और सी के स्थान पर जो बचा बाकी वो उसके बराबर होता। जैसे दोस्तों यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या दोस्तों, कुछ नहीं बचा, तो इस कंडीशन में 1 बच जाता है दोस्तों। क्या बच जाता दोस्तों? 1 बच जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों, तो क्योंकि 1 का जो गुणांक सभी संख्याओं के साथ होता है दोस्तों, एक्स हो या वाई हो, जेड, ए टू जेड कुछ भी हो दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, तो ए के स्थान पर यहाँ कुछ नहीं बचा, तो उस स्थान पर क्या मान लेते दोस्तों? 1 मान लेते। तो मैंने लिखा ए बराबर कितना दोस्तों? 1, ठीक दोस्तों। और यहाँ पे बी के स्थान पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, तो उसे कंडीशन में हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं दोस्तों। ए बराबर यहाँ पे ए बराबर 1 हो गया दोस्तों, बी बराबर भी 1 हो गया, और सी के स्थान पे ऊपर देख रहे होंगे आप माइनस के 2 रखा, तो मैंने यहाँ पर सी बराबर क्या रख दिया दोस्तों? माइनस के 2 दोस्तों। यहाँ पर समीकरण मानो या मत मानो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, यहाँ पर से बिटा देते हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा शून्यकों का योगफल दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा शून्यकों का योगफल दोस्तों। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे दोस्तों, ये सूत्र होता है, एक ये फॉर्मूला होगा दोस्तों, यहाँ पे सूत्र हो जाएगा दोस्तों, ये सूत्र हो गया दोस्तों, ये भी दोस्तों एक सूत्र हो जाएगा, ये भी एक सूत्र हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये देख रहेंगे आप। तो यहाँ पे मैंने लिखा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस के बी है दोस्तों, तो ये दो देखिए दोस्तों, यहाँ माइनस तो ये ऐसे कैसे हम छाप दिया दोस्तों, और यहाँ पे बी है दोस्तों, तो बी के स्थान पे हमें बी बराबर क्या दिया दोस्तों? ने 1 दिया, तो मैंने यहाँ पे बी के स्थान पर क्या रख दिया दोस्तों? 1 रख दिया, सेम बटे बटे लगा दिया दोस्तों। ए के स्थान पर क्या दोस्तों? यहाँ पे ए के स्थान पर कितना दोस्तों? 1 है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया दोस्तों। यहाँ पे ए के स्थान पर क्या लिख दिया दोस्तों? 1 लिख दिया। ऐसे ही सेम मैंने जब 1 से 1 को भाग दिया दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों? 1। जब 1 से 1 को हम भाग देते हैं दोस्तों, तो 1 आ जाता है। मैंने लिखा शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो यहाँ पे ये सूत्र हो गया दोस्तों, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सी बराबर कितना दोस्तों? माइनस के 2, तो मैंने यहाँ पर सी के स्थान पर माइनस के 2 रख दिया दोस्तों। ए के स्थान पर क्या दोस्तों? ऊपर से देखिए ए बराबर कितना? 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 रख दिया दोस्तों, इस ए के स्थान पर 1 रख दिया। जब 1 से मैंने इसे भाग दिया दोस्तों, तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों? 2 ही आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों ये सवाल में दिया है 1/α माइनस 1/β दोस्तों, तो मैंने ये छाप लिया तुम्हारा दोस्तों, इस जगह यहाँ पे छाप लिया दोस्तों, ये निशान हो गया दोस्तों तुम्हारा इसलिए का दोस्तों। 1/α माइनस 1/β मैंने यहाँ से कैंची गुणा कर दी, 1 की गुणा बीटा की गुणा मैंने 1 से करी तो बीटा आ गया, और अल्फा की गुणा मैंने 1 से करी तो अल्फा आ गया दोस्तों, नीचे की नीचे गुणा होती है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने माइनस के अल्फा को पहले लिख लिया, और जो प्लस का था उसे बाद में लिख लिया दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब यहाँ से मैंने माइनस दोस्तों यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा सेम छाप दिया, और यहाँ से क्या करा दोस्तों मैंने, यहाँ से मैंने माइनस बाहर ले लिया दोस्तों, यहाँ से मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो अल्फा माइनस बीटा बच गया, और नीचे का सेम वैसे का वैसे छाप दिया दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूँ, देखिए दोस्तों मैं सूत्र आपको बता दूं, सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस के बी का होल वर्ग बराबर ए प्लस बी का होल वर्ग माइनस के 4 ए बी दोस्तों, इसका फॉर्मूला ये होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये वर्ग में तो उधर जाएगा दोस्तों, करणी में हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ये अल्फा इंटू बीटा में खुला दोस्तों, ये ए माइनस बी में खुला दोस्तों, ये वर्ग में तो दोस्तों यहाँ से करणी में हो जाएगा, यानी कि ए माइनस के बी बराबर ए प्लस बी
का होल वर्ग माइनस के चार ए बी दोस्तों। तो ये बार करने में हो गया दोस्तों इस तरह से। तो ये सूत्र हो गया दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस के चार ए चार अल्फा इंटू बीटा दोस्तों। ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों, यहाँ बिटान देते हैं दोस्तों इसे, ये हो जाएगा तुम्हारा देखिए दोस्तों। यहाँ से माइनस मैंने बाहर ले लिया ये, और तुम्हारा दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का होल वर्ग माइनस के चार अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा दोस्तों। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दोस्तों एक है। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने यहाँ पे एक रख दिया, घात दो है दो रख दिया दोस्तों, माइनस के चार गुणा और यहाँ पर कितना अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दोस्तों दो आया माइनस के दो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर माइनस के दो रख दिया, यहाँ पर भी नीचे है बटे अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर क्या रख दिया दोस्तों मैंने यहाँ पर दोस्तों माइनस के दो रख दिया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों ऊपर, यहाँ पर देखिए ये तुम्हारा दोस्तों माइनस है और दोस्तों यहाँ पे माइनस, तो माइनस से माइनस मैंने कट कर दिया दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पे काट सकते हैं माइनस से माइनस, तो ये मैंने यहाँ पर काट दिया और ये हो गया दोस्तों इसकी एक की गुणा कितनी बार कर लो दोस्तों एक ही होता है। और यहाँ पर कितना दोस्तों माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस दोस्तों, और यहाँ पर कितना चार दूनी आठ हो आएगी दोस्तों, यहाँ से माइनस माइनस क्या दोस्तों, अब यहाँ पर आठ है कितना होता है दोस्तों नौ, ये तुम्हारा वर्ग चल रहा है दोस्तों कारण चल रही है बटे कितना दोस्तों यहाँ पर दो। अब यहाँ से मैंने क्या करा नौ है दोस्तों, नौ को मैंने क्या करा दोस्तों तीन गुणा तीन करके, क्योंकि तीन तिया होते हैं नौ दोस्तों। अब यहाँ पर कितना दोस्तों बटे नीचे दो। तो दोस्तों वर्ग ने जब वर्ग से ये करनी में से जब ये बाहर निकलता है तो दोस्तों इसकी एक शर्त होती है, दो में से एक चीज़ को हम बाहर ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर दिया दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया दोस्तों यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इन दोनों में से एक बाहर ले लेंगे तो तीन, और यहाँ से नीचे कितना दोस्तों दो है दोस्तों, बस यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम।